अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई सुबह, एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों के स्कूल्स भी खुल गए हैं और ऑफिस की रूटीन भी है, तो जब स्कूल्स इतने टाइम बाद खुले हैं तो बड़ी रूटीन माओं की भी इस वक्त चेंज हो गई होगी। लेकिन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप सबको आज के दिन के लिए बहुत सारी विशेस कि आज का दिन आपके हक़ में बहुत बेहतर साबित हो और आप दूसरों के हक़ में बेहतर साबित हो सकें, इस दुआ के साथ करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। और हमेशा की तरह मेरी और मेरी टीम की कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस या आपके मसाइल का हल जो है वो अपने इस प्लेटफॉर्म से तलाश किया जाए। सो जो मेरा पहला सेगमेंट नॉर्मली हम मेडिकल के हवाले से ही रखते हैं, आज भी एक बड़ी वेल नोन पर्सनैलिटी जो मेडिसिन की फील्ड में बड़ा नाम रखते हैं, पिछले 30 साल से मेडिसिन की फील्ड में इनकी प्रैक्टिस रही है और ये आँखों के शोबे से वाबस्ता हैं। सो आँखों के मसाइल जो हैं, नज़र का कमज़ोर हो जाना या एकदम से कुछ लोगों को कहते हैं कि ना सर में दर्द हो रहा है तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, या अभी जिस तरह का मौसम चल रहा है तो आँखों की सूजन हो जाना या आँखों में खून आ जाना, ये तमाम मसाइल जो हैं, जो बड़े आम से सतही मसाइल हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस कर सके। छोटे छोटे बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, आप देखें इतने मोटे मोटे उन्हें चश्मे लगे होते हैं, आखिर वजह क्या है? आप हमसे पहले जो बड़े गुजरे हैं, जो पहली जनरेशन है, उसमें आप देखें बड़ी बड़ी उम्रें हो जाती थी लेकिन उनको चश्मे नहीं लगते थे, और आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए। लेज़र कितना कारामद साबित होता है, क्या लेंस लगाने चाहिए या उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और इस पर बात करने के लिए अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सलाम पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसा कि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने कहा माशाल्लाह से 30 साल हो गए हैं आपको इस प्रैक्टिस में, और पाकिस्तान में आप पिछले 15-14 साल से काम कर रहे हैं और आपने बाहर भी काम किया पाकिस्तान में। बहुत अमूमी अगर मैं आपसे पूछूं, जो रेशो रहा आपके पास आंखों के मसाइल का, वो क्या इशू है? अगर आप बात कर रही हैं इशूज़ के हवाले से, तो सबसे कॉमन चीज़ जो हमें नज़र आती है वो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं। ठीक है, यानी नज़र का कमज़ोर होना या नज़र का धुंधला होना, ये बच्चों से लेकर हर एज ग्रुप में है। ओके। और इस हवाले से ये रिफ्रैक्टिव एरर में ख़ास तौर पे बच्चों में, जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, तो उनके हवाले से एक बिल्कुल इनिशियल मैसेज है कि स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं, वो बाहर की दुनिया में उनके स्कूल एडमिशन से पहले ही चेकअप ज़रूरी होता है। राइट, हियरिंग भी होता है और सारे चेकअप होते हैं, उसमें आई भी बहुत अहम है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, बढ़ रही है, लेकिन तो ये मसाइल सबसे ज़्यादा बच्चों के हवाले से बहुत अहम है। उनकी ज़िंदगी शुरू हो रही होती है और आपको पता ही नहीं होता कि उनकी नज़र कमज़ोर है, एक आँख में कम है, दोनों में कम है, या उनके क्या मसाइल हैं, तो वो बहुत अहम है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जिस तरह हमारे पास डॉक्टर फसीउल अमीर आते हैं, वो ENT सर्जन हैं, सो वो अक्सर जिक्र करते हैं कि जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है, आप उसका हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं कि जब वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो आप उसे आवाज़ दें या आप उसके पास खड़े होकर उसे आवाज़ दें, अगर वो रिएक्ट नहीं करता इट मीन्स कि उसका हियरिंग प्रॉब्लम है। ये एक बड़ा अमूमी सा टेस्ट है जो एक वालदैन अपने बच्चे की बेहतर निगहदाश्त के दौरान कर सकते हैं। अगर मैं नज़र के हवाले से पूछूँ, एक बच्चा जो न्यू बॉर्न है, उसको कैसे आप जान सकते हैं कि आया धुंधली नज़र है, कम है, या ये नहीं देख पा रहा, ऐसा कोई टेस्ट हो सकता है अर्ली एज में? बहुत कॉमन टेस्ट है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खास तौर पे जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बन रहे होते हैं, वो तो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चे के बारे में। मेरे पास ऑलमोस्ट एवरी डे एक आध पेरेंट इस तरह के आते हैं कि ये बच्चा हमें नहीं देखता। इसके हवाले से 2-3 बड़े कॉमन बातें आम आदमी के लिए। एक तो बात यह है कि सबसे पहली चीज़ जो उसका स्टिमुलस होता है न्यू बॉर्न का, उसका जो एक फोकस होता है, वो उसकी माँ का चेहरा होता है, जिसे वो पहचान लेता है, जिसको वो सबसे पहले देखता है और सबसे पहले सबसे करीब भी उसी के रहता है। अच्छा, तो अब अगर पेरेंट्स या माँ ख़ास तौर पर ये महसूस कर रही है कि बच्चा मेरी तरफ नहीं देख रहा, तो ये कुछ एक अच्छा साइन नहीं है। ओके, अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत छोटे बच्चे में
अगर आप उसको जैसे बड़े उसको पुकारते हैं उसका जो भी नाम लेकर, या कोई आप उसको उसके कानों के करीब आप उसको दो साइड पर चुटकी बजाएं और उस पर वो आपकी तरफ देखे और आपसे आई कांटेक्ट में आए बच्चा, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका जो नॉर्मल है। या फिर एक काम घर पे भी आप कर सकते हैं कि अगर लाइट कमरे में बंद करके और आप कोई टॉर्च वगैरह से देखें तो वो टॉर्च जहां आप ले जाएंगे वो देखेगा। ये सबसे पहला टेस्ट है और हर जगह किया जा सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी चीज़ होती है हमारे यहाँ बड़ी प्रैक्टिस है कि वो झूले बच्चों के और उसके ऊपर एक टॉय लगा होता है जो घूम रहा होता है। अच्छा अब अगर आप एक सेकंड के लिए सोचें, मैं उस टॉय के बारे में सोचती हूँ उसकी क्या क्रिएशन, उसको क्यों क्रिएट किया गया, माँ बाप क्यों अपने बच्चों को उससे खिलाते हैं। एक आपके सामने अगर कोई चीज़ कंटिन्यू रोटेट हो रही होती है ना तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। अब बच्चों के सरों पर इस तरह उस टॉय को लगा देना जो कंटिन्यू इतनी मूवमेंट कर रहा होता है, रोटेट हो रहा होता है, तो क्या आई कांटेक्ट बच्चे का ख़राब नहीं होता? क्या ये सारी चीज़ें बेहतर हैं बच्चों के लिए? देखें, हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है। अब ये बच्चे की ये जानने के लिए कि बच्चा जो है वो देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी तेज़ रफ्तारी से घूमती हुई, ये इनिशियली ठीक नहीं है। यानी ये तो है कि अब उसका जो कॉट होता है उसके ऊपर आपने एक चीज़ लगा दी जो दरमियानी स्पीड से थोड़ा सा किसी वक्त घूम लेती है, तो वो ठीक है, बच्चा ज़रा बहला रहता है। आजकल पेरेंट्स में एक नई चीज़ ये हो गई है कि वो बच्चों को बस के वो ना रोए, और मतलब थोड़े बड़े बच्चे तो कार्टून में लगा दिए जाते हैं, लेकिन बहुत छोटा बच्चा जो है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो माँ का चेहरा देखे। अच्छा। माँ के करीब रहे। वो स्टेज जिस पर माँ और बच्चे का कांटेक्ट डेवलप होता है उसमें उसको खिलौनों पे लगा दिया जाता है ताकि वो खुद फ्री रहे। मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ बच्चे और माँ का कांटेक्ट कम हो रहा है। माँ या तो जॉब करती है, बच्चे को किसी मेट के हवाले कर दिया गया या ऐसे ही छोड़ दिया गया, या बच्चे हमारे गैजेट्स के हवाले हो गए। एग्जैक्टली। तो उनको मसरूफ रखने के लिए इस तरह की चीज़ें शुरू हुई थी। अब उनमें इंतहा हो गई है कि बस वो, मैंने अभी एक दो बच्चे को देखा कि वो एक साल का बच्चा है और उसको कार्टून लगा के माँ जो है वो पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ है। तो ये थोड़ा सा गलत है। हमारी माएँ ज़्यादा सोशल हो गई हैं ना, ज़्यादा सोशल दे लेफ्ट होम और वो जॉब्स करती हैं, ज़्यादा सोशल हैं एज यू सेड। तो मेरे ख्याल है कि ये ज्यादती है बच्चे के साथ। और फिर इसमें आप मेमोरीज भी नहीं बना पाते, आप यादें भी नहीं बना पाते। क्या आप अपने बच्चे को क्या बताएंगे कि आप वो बचपन में क्या करता था, आप उसके साथ कैसे खेलते थे? ये असासा है, ये सरमाया है और ये एक बॉन्डिंग है जो आप अपने बच्चे के साथ बना रहे हैं। और जो इस एज में बॉन्डिंग बन जाती है वो थ्रू आउट द लाइफ रहती है। वो आपका बनाया हुआ खाना, वो निवाला, उसको वो जायका कभी नहीं भूलेगा। वो दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको याद रहेगा मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खाना। तो सर ये एक उनसियत है जो माँ अपने बच्चे से उस एज में डेवलप कर रही होती है जो हम अब थोड़ी थोड़ी मिस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब आप बच्चा आजकल आप देखें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं सो उनमें भी नज़र की कमज़ोरी आ गई है। अच्छा ये स्टार्ट से नहीं होती लेकिन स्कूल जाने लगते हैं, बच्चे आते हैं अक्सर कंप्लेन करते हैं कि अम्मा सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। एक आई टेस्ट कराया जाता है तो पता चल जाता है कि नज़र कमज़ोर हो गई है। तो इस एज में, इतनी यंग एज में नज़र का कम होना, ये इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी दो तीन वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। हमारी जब हम बच्चे थे या छोटे स्कूल गोइंग थे तो उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बच्चा बस बड़ा हुआ और वो 5-6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन अब अवेयरनेस बहुत है। आपका प्रोग्राम इसकी का सबूत है। आप आज बैठ के बच्चों के मुतालिक बात कर रही हैं, ये कितने लोग देख रहे हैं और इसका कितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये अवेयरनेस बढ़ गई है। तो पहले भी वही अमराज थे, अब भी वही अमराज हैं, इसकी आगे भी वजूहत हैं। तो एक तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस की वजह से चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया की वजह से चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ये इन चीज़ों को ला रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है कि जो चीज़ें छुपी हुई थी वो अब सामने आ रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, ये पहले भी मौजूद था कि जेनेटिक्स है, माँ बाप चश्मा लगाते हैं तो फितरी तौर पर जेनेटिकली उनके बच्चों में भी ये असरात आते हैं। अगर माँ बाप का है, आप पूछती हैं कि
कुछ को लग रहा है कुछ को नहीं लग रहा है, तो उनके वालदैन में भी हिस्ट्री देखनी है। अच्छा ठीक है, पेरेंटल साइड या मैटरनल साइड? मैं दोनों साइड्स पे, और वो कजिन मैरिजेस के बाद वो और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक ये है कि जेनेटिकली कुछ फैमिलीज में ये वीकनेस होती है, राइट, और बच्चा एक्चुअली पैदा होता है कुछ थोड़ी सी डेफिशिएंसी के साथ, लेकिन एक छः महीने की उम्र तक वो डेवलप हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो उसके बाद भी रहते हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि जो बच्चा भी कोई एबनॉर्मलिटी महसूस करते हैं, पेरेंट्स टीवी बहुत करीब से देख रहा है या फिर बुक्स को ऐसे पढ़ता है करीब से, मतलब कोई या बाहर नहीं बिल्कुल जाता, अच्छा घर में कैद है एक जगह, तो उसकी एक वजह है, right. उसकी आइस चेकअप है, मसलन मायोपिया एक ऐसी चीज़ है कि वो शॉर्ट साइटेडनेस कहलाती है। अच्छा, अब ये वो यंग एज में होती है? ये बिल्कुल यंग एज में, पहले 2-3 साल 4 साल। अच्छा। तो एक साहब मेरे मुझे कहने लगे कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ाकू है और हर वक्त किताब पढ़ता रहता है। मैंने कहा ये कोई काबिल फख्र बात नहीं है, वो उसकी नज़र चेक कराएं। Okay. उसकी नज़र चेक की तो वो सिर्फ करीब देख सकता था, दूर देख ही नहीं सकता था, तो वो निकले क्या घर से, कहाँ जाए, उसकी उसकी दुनिया महदूद है, राइट, और उसको ये पता भी नहीं कि मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है क्यों, तो मैं डिस्कस करूँ या मैं क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने जब उसको समझ चीज़ें आने लगी तो उसके लिए दुनिया उतनी कॉम्पैक्ट थी। एग्जैक्टली, वो जो कुआं था जिसे कहते हैं मेरी दुनिया उसी तक महदूद है, तो वो वहीं है। अब किताब उसके हाथ में है और किताबी तक उसकी अप्रोच है, उससे ज़्यादा उसको नज़र नहीं आ रहा, वो शॉर्ट साइटेडनेस है, दूर की चीज़ें वो देख ही नहीं सकता। तो मेरा जो मशवरा है नाज़रीन को भी और आपके तवस्सुस से, कि हर बच्चे को जो थोड़ा सा एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है उसको दिखा दें, उसका आई चेकअप करा दें। राइट, बिल्कुल। एक अच्छा, माएँ अक्सर ये भी कहती हैं ना कि एकदम से बच्चे में रवैयों में तब्दीली आने लगी है, चाहे वो साइकोलॉजिकल कोई इफ़ेक्ट हो, वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है, वो किसी शख्स से जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। इवन फैमिली में भी ऐसा होता है। आजकल अपने बच्चों का, अपने बेटियों का, अपने बेटों का, सबका बहुत ख्याल रखें, और अगर किसी भी तरह का आप उसके अंदर बिहेवियर चेंज महसूस करते हैं, आप देख रहे हैं उसके अंदर स्ट्रेंजर फेयर बढ़ रहा है या वो बाहर जाते हुए घबरा रहा है, तो आपको डेफिनेटली जो है वो अब कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे की पर्सनालिटी पर बड़ी चीज़ें असरअंदाज हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या एक बच्चे को, अब मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बड़ों की तरफ भी बढ़ें, कि जो बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है चश्मे का लग जाना, क्या इसे ख़त्म किया जा सकता है? मतलब इसे ऐसा कोई ट्रीटमेंट मौजूद है कि हट जाएँ ग्लासेस बच्चों के? जी बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों में इनिशियली हम 18 इयर्स तक तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, उनको ग्लासेस, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही होती है, उनका कद बढ़ रहा होता है, जिस्म की ग्रोथ हो रही होती है, तो उनके नंबर आम तौर पर बढ़ते हैं जी, ठीक है, यानी चश्मा पहनने के बावजूद बढ़ते हैं। अब क्या किया जाए, ये कि छोटे बच्चों को हर 6 महीने में और थोड़े बड़े बच्चों को 1 साल में दिखाना चाहिए। ओके। इसमें सबसे जो ख़तरनाक बात है वो आपने जिक्र सुना होगा, लेज़ी आई का। जी। वो बच्चों की अगर एक ख़ास एज में उनको ग्लासेस ना मिलें या उनका चेकअप ना हो, तो वो एक या दोनों आंखें लेज़ी हो जाती हैं। ओके। और ये लेज़ी आई मैं दिन में कम अज़ कम 8-10 देखता हूँ। ओके। ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन में तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो उस पर बात करेंगे। अक्सर हम लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कि बच्चे को चश्मा लग गया इस वजह से हम अपने बच्चे को ग्लासेस नहीं पहनाते या उसको ट्रीटमेंट नहीं करवाते, और नुकसान किसका होता है, आपके बच्चे का। इस पर मैं मज़ीद डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी आफ्टर दिस ब्रेक, मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वन सेकेंड, वेलकम बैक सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद शेख साहब मौजूद हैं, और आंखों के अमराज, आंखों के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, और आज हम उसी हवाले से बात भी करें। बच्चों के हवाले से हमने बात की कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको, अगर आपको लगता है कि आई में उनके कोई प्रॉब्लम है, तो आप अर्ली एज में जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाएँ। अर्ली डायग्नोसिस होता है तो ट्रीटमेंट भी बेस्ट से बेस्ट दिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इस तरह अभी हम बड़ी बात ऐसी
सतही बात है जो आगे जाकर बहुत बड़े मसाइल को पैदा करती है कि आप इसलिए बच्चे को ग्लासेस नहीं लगाते कि वो अपने स्कूल में जो है बच्चे आजकल बड़ा कॉन्फिडेंस अपना लूज करते हैं, दूसरों को छेड़ते हैं, इवन के अजीब अजीब से चश्मे से ये चश्मा लगाता है या ये वो, इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो हम ऐसे लोगों के लिए निकाल देते हैं जिसकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। और यही प्रॉब्लम आपने यंग लड़कियों में भी देखा होगा, फिर आप कैसे उन लोगों की जो है वो काउंसलिंग करते हैं? देखिए, अब चूँकि तालीम बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, अब हमारे डॉक्टर्स की ड्यूटी थोड़ी सी अपनी ट्रीटमेंट से ज़्यादा बढ़कर सोशल भी हो गई है। जी, मुझे बहुत ज़्यादा बाज़ोकात समझाना पड़ता है, आउट ऑफ वे जाके इतने बिजी शेड्यूल में उनको बताना पड़ता है कि भाई आप जो हैं ये बच्चे की आंखें देखें, लोगों को ना देखें वो क्या कहते हैं। कराची एक एक तरह से जो है वो हमारी मिनी पाकिस्तान है, यहाँ हर कौमियत बसती है। कुछ कौमों में, जैसे मैं कहूँ कि पठानों में और बलोचों में, ये बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता है, चश्मा लगा कि चश्मा नहीं लगेगा, बस आप मरने मारने पे तुल जाएंगे लेकिन चश्मा नहीं लगाएंगे। okay. उनको ख़ास तौर पे बताना पड़ता है। वो हमारे यहाँ कराची में अब इंड्यूस हो रहे हैं माशाल्लाह, अब यहाँ उनकी आबादी बढ़ रही है। हाँ, बहुत बिजनेसेस हैं, सब लोग हम मिनी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो यहाँ उन लोगों पर मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कहीं कोई ऐसा स्टेज ना आ जाए, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, कि वो सुस्त आँख या लेज़ी आई ना हो जाए, इसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं हमारी ज़बान में। तो अब यह है कि वो स्टेज जब आ जाता है तो वो अमूमन 9 साल के बाद वो शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है? उसका बहुत मुश्किल है। ओके. मतलब ये जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, तो 9 साल की उम्र तक उसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। ऑक्लूजन थेरेपी है और थेरेपीज हैं, और उसको सही नंबर दे दिया जाए या उसकी जो मसाइल हैं उसको पहले समझ कर और फिर उसका इलाज किया जा सकता है। Alright. लेकिन वंस इट गॉन इनटू दिस लेजी आई, फिर बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, फिर आपको एक टफ टाइम जो है। नहीं, वो सारी उम्र फिर वो आँख कमज़ोर ही रहती है। ओके, कमज़ोर हो जाते। अच्छा, यहाँ ये एक और जिस तरह हम बात कर रहे थे कि बड़े सोशल प्रॉब्लम्स हैं हमारे, लड़कियों को भी इसलिए चश्मे पेरेंट्स भी मना करते हैं, वो खुद भी नहीं अवॉइड करती हैं कि रिश्ते नहीं होते। जिस लड़की को चश्मा लगा उस पर एक सवाल उठता है कि नहीं, ये इसको तो चश्मा लगा है, इसकी तो नज़र कमज़ोर है। डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसी बीमारी है, ऐसी कोई चीज़ है कि जिसकी वजह से रिश्ते आपके बंद? और अक्सर नज़र कम भी होती है तो हम आगे वालों को बताते नहीं हैं कि नज़र कमज़ोर है, क्या इसको बताना भी इतना इम्पोर्टेंट है? ये ज़रा दोनों जावियों से इस चीज़ को आप ज़रा बताइए। मेडिकल से ज़्यादा एक सोशल प्रॉब्लम है। लोगों की अपनी बिलीव्स हैं, वो ये बिलीव करते हैं कि लड़की ने चश्मा लगाया होगा तो उसका रिश्ता नहीं आएगा। बेसिकली ये दोनों दो तरफा मामला है। आप गौर करती हैं सोसाइटी में कि लड़का कैसा भी हो, काला कलोटा हो, पढ़ा लिखा ना हो, उसे चांद सी दुल्हन चाहिए। हाँ, अब ये चीज़ें दोनों तरफ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि लड़की ही क्यों चांद सी हो, लड़का क्यों चांद सा ना हो, पहली बात। और लड़की में ही सारी खराबियाँ ढूंढी जाएं या खूबियाँ ढूंढी जाएं, लड़के में क्यों नहीं? तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप ज़रा अपने आप को भी देखें, ठीक है, उसके हिसाब से। फिर इस तरह उन बेचारी लड़कियों को जो आम सूरत हैं, बहुत खूबसूरत नहीं है, तो उनके लिए रिश्ते एक तो वैसे ही मुश्किल होते हैं। ऊपर से दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर उसने चश्मा लगाया हो तो इनको बिल्कुल इसने चश्मा लगाया हुआ है, तो भाई क्या हो गया? 30% पॉपुलेशन चश्मा लगाती है। अच्छा, ये आप पाकिस्तान का? हाँ, ये स्टडीज़ हैं बाकायदा, 30% पॉपुलेशन इस वक्त। और बहुत से वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं जिन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया। हाँ, जो चाहते ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है कि उनकी नज़र वीक है, वो गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, वो आप कहते हैं ना कुछ लोग यूं करके एग्जैक्टली ये बड़ी अपने बड़ी अच्छी बात की, ये एक सिम्टम है। अगर बच्चा ऐसे आंखें मीच के देख रहा है टीवी वगैरह, तो उसको तो फौरन लेके आए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर भी आ गए हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर कैंट से बोल रही हूँ, मिसेस कैनल इम्तियाज। जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पहले आपके ऑपरेटर को भी बताया, इनफैक्ट प्रॉब्लम मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे नेबर्स का बच्चा है। अब मैं अगर उनको बताने जाती तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता, इसलिए जितना मुझे पता है जी, मैं उसके मुताबिक डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी। जी जरूर। के बच्चा जो है उसकी एज है अबाउट कोई 3.5 ईयर्स। ओके।
तो अभी वो स्कूल जा रहा था 3 की एज से जैसे नॉर्मल होता है, तो उस वक्त वो उनको शायद पेरेंट्स को इतना फील नहीं हुआ या इतना ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, लेकिन अभी कोई एक कोई 1 मंथ बिफोर उस बच्चे की जो आईज हैं उसका ये जो कॉर्निया होता है वो बिल्कुल एंड पे आ गया, दोनों जो उसके रेले हैं वो एंड पे आ गई। ठीक है। तो और उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी फील हुआ कि मुझे ब्लड नजर आता है, दो नजर आते हैं और इस तरह से। फिर वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने उसको ग्लासेस सजेस्ट की। वो ग्लासेस जो है वो उस बच्चे ने कोई 1.5 वीक जो है वो यूज की, लेकिन उसको कोई फायदा उससे नहीं हुआ क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी चल रहा था। फिर उसको दोबारा वो किसी दूसरी खातून डॉक्टर जो थी आई स्पेशलिस्ट उनके पास लेके गए, उन्होंने जो ग्लासेस दी हैं अभी उससे उसका जो वो बिल्कुल एंड पे चला गया था डेला वो थोड़ा सा जरा पीछे होना शुरू हुआ। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि वो बच्चे को इनके पास लेके आए, वो हैं इधर कराची में ही, तो जैसे वो सजेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ भी लेती हूँ कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा एक्सेस करना डॉक्टर साहब तक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और देखें ऐसे प्यारे लोग भी हैं जो अपने पड़ोसी के बच्चों का भी ख्याल करते हैं डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने ये कहा मैं जाऊंगी तो मैं पहले प्रॉब्लम, देखिए ये है अपनायत, कोई रिश्ता नहीं कोई, लेकिन एहसास का रिश्ता होगा जो बहुत खास है, जिन्होंने इनको मजबूर किया कि वो कॉल करें। और नहीं, ये बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है हम लोगों के लिए कि न सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, वो प्रोस के बच्चे के लिए परेशान है। बहुत बड़ी और बात, पूरा प्रोसीजर याद है कि क्या क्या एक्जेक्टली शायद माँ को भी इतना याद इतना ना नहीं बताओ। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में कि उनकी आंख में स्क्विंट हो जाता है या टेढ़ापन हो जाता है। अच्छा मतलब ये आईबॉल साइड पर आईबॉल जो है वो या तो बिल्कुल सीधी नहीं होती या अंदर की तरफ मुड़ जाती है या बाहर की तरफ। इसकी बहुत बड़ी वजह नजर की कमजोरी होती है। अच्छा। अब जैसा इन खातून ने कहा तो ये उसको सही नंबर दिया गया और एक ख़ास टेस्ट से गुजारा जाता है बच्चे को और फिर उसके बाद उसको सही नंबर दिया जाता है। तो आम तौर पर ये होता है कि ये चश्मों से तकरीबन 50% केसेस में बेहतरी आ जाती है, टेढ़ेपन में भी। ठीक है। क्योंकि आपकी नज़र जो है वो जितना चश्मा आपको चाहिए वो जब आपको दे दिया गया तो इसका मतलब अब आपकी जो वो एक्सिस है आई की वो बेहतर हो जाएगी। ओके। और अगर उसके बाद भी रहती है तो ये टेढ़ापन जो है वो ऑपरेशन से भी हम लोग ठीक करते हैं। डॉक्टर साहब आप कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? मेरी बेसिकली दो जगह प्रैक्टिस है, सुबह मैं दारुसेहत हॉस्पिटल में होता हूँ और मेरा वहाँ टीचिंग जॉब है लेकिन मैं मरीज भी देखता हूँ। ठीक है। और सुबह यानी 10 बजे से 1 बजे तक दारुसेहत हॉस्पिटल, और फिर उसके बाद मेरा 2 बजे से अख्तर आई हॉस्पिटल में प्रैक्टिस होती है। Right. 2 बजे से शाम तक। ठीक है। तो आप इन दोनों जगह में से जो भी आपको नियर पड़े आप वहाँ पर जाके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर बच्चे सकते हैं। को ये भी है कि अभी दिखाया गया सब एक और कॉलर भी है, कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मोहम्मद आफ्ताब अर्ज कर रहा हूँ। कहाँ से कॉल करें? मैं सियालकोट से कर रहा हूँ जी। सवाल कीजिए अपना। मेरा डॉक्टर से सवाल यह है, ये तकरीबन मेरा 10-12 साल की उम्र से ये मसला है, मेरी आँख जो है वो अंदर से ना वाइब्रेट करती है, तो काफ़ी डॉक्टर वगैरह को मैंने चेक करवाया लेकिन उन्होंने मतलब ये कहा कि ये परमानेंट हल नहीं हो सकता, मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। और एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में उधर डॉक्टर हैं, उनसे मैंने चेक कराया था तो उन्होंने एक नंबर मुझे दिया था सिलेंडरी का, उससे यह है कि कुछ कदरे बेहतर हुआ है, लेकिन ये है ना कभी मतलब अगर 2-4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा देखता हूँ ना तो वो फिर वो पहले की तरह वाइब्रेट करना शुरू हो जाती है। ओके ओके डॉक्टर साहब आप इनका सवाल जी मैंने सुन लिया है। राइट, बहुत शुक्रिया, आप टीवी के सामने आ जाइए ऑन एयर, डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बच्चे का पैदाइशी मर्ज होता है। ठीक है। यानी उसका पर्दा जिसको मरकजी हिस्सा हम कहते हैं वो मैक्यूला, वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है। जब वो वीक होता है तो इसको सर्च निस्टैग्मस कहते हैं कि आँख थोड़ी ऐसी वाइब्रेट कर रही होती, और ये बच्चों में डेवलप होता है उन लोगों में जिनकी नज़र पैदाइशी कमज़ोर हो, तो इनका मुआयना होना चाहिए, इनका मैक्यूला और अब बड़े मॉडर्न किस्म की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं उनको देखा जाए, उसकी वजह मालूम की जाती है, कई वजूहात हैं उसकी, एक वजह नहीं है। अगर उसके ग्लासेस हैं जिनसे इनको दिए गए तो वो भी दिए जाने चाहिए, और उसको
मतलब हर 6 महीने साल में फॉलो अप करना। अच्छा, अगर ग्लासेस से ठीक नहीं होता तो फर्दर ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? देखें, मैंने जैसे कहा कि बहुत सारी वजूहात हैं, वजूहात की तलाश है। कुछ पैदाइशी इमराज ऐसे हैं कि जो जिनका हकीकतन अभी तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, रिसर्च हो रही है। तो सबसे पहले तो ये डायग्नोस करना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। जब तो इनको ये चाहिए कि मतलब थोड़ा सा टच में रहें किसी अच्छे आई सर्जन के, मतलब प्रॉपर डायग्नोसिस पहले इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। और एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी दानिश बात कर रहा हूँ। मेरा ये एक इशू है, मेरी आंखों का पिछले 2 साल से विजन क्लियर नहीं है, फोकस नहीं होती आंखें। ठीक है। और ऑलमोस्ट उससे पहले मुझे प्रॉब्लम नहीं था, बट खासतौर पर रात के टाइम ड्राइविंग में मुझे बहुत इश्यू होता है, क्योंकि लाइट जब आंखों में पड़ती है तो चीजें फोकस नहीं होती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। और दूर की भी मेरी ये प्रॉब्लम है कि फोकस नहीं होता, जिस वजह से मुझे चीजें क्लियर नजर नहीं आती। दानिश, आप कहाँ से कॉल करें? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से कॉल करें। ओके, राइट, थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर साहब बताइए, बेसिकली आपकी एज कितनी है? जा चुके हैं। देखें, मसला ये है कि अगर इनको इस तरह का, ये फोटोफोबिया कहलाता है कि जब लाइट पड़ती है तो आप उसे टॉलरेट नहीं करते। अच्छा। तो इसमें दो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि इनको कोई मुसलसल एलर्जी वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, वो देखा जाएगा। लेकिन जैसे ये चश्मा लगा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इनको कोई सिलेंड्रिकल ग्लासेस आ रहे हैं, और इनका लेंस ख़ास तौर पे देखा जाएगा कि उसमें कोई ओपेक नहीं, वो बड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो हमारा नेचुरल लेंस होता है अंदर कॉर्निया के अंदर। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आम लोगों को थोड़ी सी वो मैं बताऊँ आँख की कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो इनका, इनके लिए ज़रूरी यही है, कुछ मैं मजाकन कहा करता हूँ जब मैं अपने मरीजों में मिलता हूँ कि अब आपका हमारा रिश्ता लंबे अरसे चलेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सी आंखों की बीमारियाँ ऐसी नहीं है कि बस आपने एक दफ़ा देखा, चश्मा दिया और ख़त्म। कुछ बीमारियाँ प्रोग्रेस करती हैं। ठीक है। मतलब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो कम थी, जैसे ये बता रहे हैं अब और बढ़ रहा है मसला, तो उसको बतदरीज उसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, राइट। अच्छा, तो इनके लिए ट्रीटमेंट आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये अगर मैं आपसे एक ब्रेक ले लेती हूँ पहले, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। और आंखों के मसाइल के हवाले से आज हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी कॉल्स भी हमने शामिल की। मैं फिर चाहूँगी आप कॉल कीजिए, नंबर है 0213-222-0070। आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह कॉलर थे दानिश, उन्होंने कहा कि जब लाइट पड़ती है मेरी आँख में तो मैं फोकस नहीं कर पाता, तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आपसे भी कहूँगी कि प्लीज़ आप ड्राइविंग अवॉइड कीजिए जब तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सक जाता, क्योंकि कुछ भी डॉक्टर साहब प्रॉब्लम हो सकती है। आप हमें चार्ट के थ्रू समझाएंगे कि फोकस क्यों नहीं हो पाता? जी बेसिकली इसमें ये चार्ट हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा जी आम लोगों के लिए। ये मैंने इसलिए अरेंज किया है कि आम लोगों को बताया जाए। अब ये अगर यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये मैं जो बता रहा हूँ ये कॉर्निया कहलाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। अगर इसमें कोई बीमारी है या इसमें कोई इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी डिस्टर्ब है किसी भी वजह से, वो वजह हमें एग्जामिनेशन से पता चलेगी कि ये जो कॉर्निया है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ओके। तो इसमें अगर ज़रा सी भी कोई ओपेसिटी आ जाएगी, इसको कॉर्निया कहते हैं, कोई ओपेसिटी आ जाएगी या किसी चोट या किसी बीमारी या बहुत सारी रीजन्स है, तो इसका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी बाज़ औक़ात मुतासिर होती है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे, तो उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। फिर दूसरी कॉमन चीज़ जो ये दानिश आप कह रहे थे कि इनको फोटोफोबिया कहते हैं इसको, यानी लाइट बर्दाश्त नहीं होती, तो उसके लिए दूसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो एक और लेंस है, ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, ये अंदर है। ओके। इसको ये मैं जो दिखा रहा हूँ तो ये वाला लेंस जो है इसको भी ट्रांसपेरेंट है। अगर इसमें कोई ओपेसिटीज़ है
तो लाइट जो है वो टॉलरेट नहीं होती है। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें। अच्छा, इसको देखने के लिए थोड़े एक ड्रॉप्स डाले जाते हैं, काफ़ी डिटेल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो लकीर जा रही है, ये यहाँ कहीं रेटिना पे, मैक्यूला कहते हैं उसको, उस पर फोकस करती है, तो उसके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम होगा। right. यानी प्रॉब्लम किसी भी सतह पे हो सकता है ये। ठीक है, तो मतलब एक प्रॉपर डायग्नोसिस है, दो exactly, तीन तरह के टेस्ट किए जाएंगे। जी जी, अब जैसे ये हो रहे हैं तो इनको किसी अच्छे, अच्छा सॉरी टू से कि जिस तरह से मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो इसमें एक्सपर्टीज भी डॉक्टर्स की थोड़ी सी वेरिएट करती है। मतलब तो बाज़ औक़ात एक दो डॉक्टरों को वो पिक नहीं कर पाते या बिजी हैं, तो किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो थोड़ा सा ज़रा मतलब सीनियर हो और क्वालिफाइड हो प्रॉपर। ये भी हम लोग नहीं देखते। राइट, मतलब अच्छा, तो हम अच्छी जगह खाना खाने तो चले जाते हैं exactly. लेकिन हम अच्छे डॉक्टर के फीस हम सब, हमें बहुत वो बर्डन लग रही होती है, लेकिन अपना डायग्नोसिस आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक कॉलर और है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से सैयद परवेज साहब बोल रहा हूँ जी। परवेज साहब कहिए। यू है जी कि मेरी सिस्टर है, एज उनकी 80 इयर्स है, लेकिन वो फिजिकली माशाल्लाह काफी फिट है, अपने काम करती है, बैंक जाती है हर जगह 80 इयर्स पे। उनको 2 साल से मैकुलर डिजेनरेशन का मसला है। ठीक है, और वो 2 साल से अपनी आईज में हर महीने इंजेक्शन लगवाती है। ओके। उससे शुरू शुरू में तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई थी, जो एक हफ्ता पहले, हालांकि वो खुद भी डॉक्टर है, इंग्लैंड में 35 साल वो जीपी रही है, उनको मैं हर महीने लेके जाता हूँ, उनकी इंजेक्शन लगवाता हूँ। इस दफा जब लगा तो उसमें काले थपे और बढ़ गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहे अभी, और वो बड़ी परेशान है। कल मैं उनसे मिला तो कहने लगी कि मुझे कहीं दिखाओ ताकि ये काले धब्बे मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाए। तो इस पे डॉक्टर साहब अगर कुछ राय दें। डॉक्टर साहब कोई सवाल आप करना चाहेंगे इनसे? जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनका एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं FFA और OCT, वो हुआ है? जी वो हुआ भाई जी, बिल्कुल। अच्छा। हुआ भाई, यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में सारे हुए जी। एग्जैक्टली, तो ये वाला टेस्ट जो है इसको रिपीट कराएं। चले ठीक है जी। ठीक है, ये टेस्ट अमूमन चंद इंजेक्शन लगने के बाद ये रिपीट होता है, ताकि फर्दर जो इंजेक्शंस ने जो काम किया है, ये इंट्राविट्रल इंजेक्शंस होते हैं और वो खून रोकने के लिए, बेसिकली ये 10% लोगों में होता है जिनकी एज 75 अबोव हो जाती है। तो इसमें ये मसला है कि थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ऑन एयर डॉक्टर साहब, क्या बात सुनिए। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला का एक ऐसा निज़ाम है कि जब लोग ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं, माशाल्लाह से चीज़ 80 इयर्स, माशाल्लाह, तो 80 इयर्स में उनको मैक्यूलर डिजनरेशन हो गई, यानी मतलब उनका मैक्यूला अब काम नहीं कर रहा। तो उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक ड्राई टाइप होती है, एक वेट टाइप होती है। तो ये जो इंजेक्शन लगते हैं ये वेट टाइप में लगते हैं, और वेट टाइप को मैं बड़ा क्लियर बता दूं, उसमें खून आ रहा होता है। अच्छा। तो अब एक तो इंजेक्शन्स जो हर महीने लगते हैं उसमें भी 2 टाइप हैं, एक इंजेक्शन आ रहे हैं जो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ओके। अब वो इंजेक्शन थोड़े महंगे बहुत हैं। सही। वो यानी तकरीबन आप समझें कि 70-80 हज़ार रुपए का एक इंजेक्शन। और वो कितने दिनों में लगता है? वो 1 महीने में 1 लगता है। Okay. और ये ज़रूरी नहीं है कि बस लगते रहें। हाँ। उसका मकसद ये होता है कि 10-12 इंजेक्शन के बाद वो खून रुक जाए। Okay. वो खून जो आ रहा है, लेकिन इसमें एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हुँ. बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। Okay. इतनी विजन उनको मिल जाएगी और ये जो खून आने का प्रोसेस है ये रुक जाएगा, इतनी विजन होगी कि वो अपने ज़ाती काम रूटीन लाइफ में करें। बहुत एक्सपेक्टेड तो नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छी विजन हो जाएगी, लेकिन इसमें ओल्ड एज फैक्टर है और खून की सप्लाई जो है वो बढ़ने के कम होने के बजाय उसमें खून आने लगता है। डेफिनेटली, आप जैसे भी एजिंग की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी मसल्स भी हर चीज़ कमज़ोर हो जाती है। तो आप ये तो नहीं सोच सकते कि 50-60 साल की उम्र में आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो 20 साल जैसा काम करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप थोड़ा सा ऊँचा बोलिए। मैडम काइंडली, मैंने अपनी बच्ची के बारे में डॉक्टर से बात करनी थी जी। बात कीजिए। वो उनसे ये मालूम करना था, मैंने अपनी बच्ची को 3-4 साल से काफी जगह चेक कराया ना,
तो वो मेरी बच्ची का दिमागी मसला भी है, उस मुख्य नंबर की हैनत भी लगती रही है ना जी। लेकिन उसे कोई बच्ची को बिल्कुल करीब जाके देखती है और आंखें नजर जो उसकी हिलती है तो मुख्य डॉक्टरों को चेक कर मुख्य राय दी है ना, कोई कहते हैं इसका दिमागी मसला है, जो वेन्स आती है आंखों की तरफ उनमें मसला है ना, तो हमें उसका कुछ यानी पता नहीं लग रहा कि क्या मसला है। वो बहुत करीब देखती है, इस तरह लगता है जैसे 4 या 6 फुट तक वो हमें देख रही है, इससे आगे उसे नजर ही नहीं आता। अच्छा आप कहाँ से कॉल करें? मैं मैडम कराची से। कराची से कॉल करें? जी मैडम। ओके तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली डॉक्टर साहब तक पहुंच सकते हैं। शहजाद साहब आप टीवी के सामने आ जाइए ऑन एयर, आप डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। ये देखिए ये मसला ऐसा होता है कि जब दिमाग और आंखें दोनों मुतासिर हों तो बाज़ोकात ऐसा भी होता है कि दिमाग जो है वो आंखों के जो मैसेजेस हैं जो कुछ बच्चा देख रहा है वो दिमाग तक सही पहुंच नहीं रहा। ओके तो ये जहाँ तक मैं समझा उनकी हिस्ट्री से इस बच्ची को थोड़ा सा दिमागी कमज़ोरी भी, यानी जो इनका दिमाग है बच्ची का वो रिसीव नहीं कर रहा मैसेजेस प्रॉपर। ओके तो ये जो इस तरह के बच्चे हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट को पहले दिखाना चाहिए, MRI या CT वगैरह कराएं और ये देखें कि वो जो दिमाग का जो फंक्शन है वो सही है या नहीं, उसके बाद उसी कम्बिनेशन में मतलब साथ में फिर आई सर्जन को भी न्यूरोलॉजी को के बाद दिखाएं। ठीक है तो ये इनको मेरा मशवरा है किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को पहले दिमाग की फिर उसकी रिपोर्ट लेके मेरे पास आएं या किसी भी अच्छे आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं ताकि उस बैकग्राउंड के साथ वो इनको समझा सके और ट्रीट कर सके। अच्छा तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास आपको जाना होगा, डॉक्टर साहब ने आपको CT स्कैन या MRI सजेस्ट किया है, वो डेफिनेटली जो आप न्यूरोलॉजिस्ट आपके होंगे वो आपको बेस्ट सजेशन दे सकेंगे और देन आप वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर साहब के पास आ जाइएगा और वो फिर आपको बेस्ट सजेशन देंगे, या मैं तो यही चाहूँगी आप डॉक्टर साहब के पास आएँ। और ये ऐसे भी हो सकता है कि पहले मेरे पास आएँ लेकिन मेरे पास अगर आएंगे और मुझे मैंने महसूस किया कि न्यूरोलॉजी ओपिनियन चाहिए तो इनको फिर भेजूंगा। तो बेहतर है मेरे पास आने से पहले न्यूरोलॉजी की ओपिनियन ले लें और फिर मेरे पास आए। राइट एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा हूँ? कामरा से। कहाँ से कॉल करें? कामरा से। कामरा से, कामरा से। जी जी कहिए अब्दुल समी साहब। मेरा डॉक्टर सर से सवाल ये था कि माय बेबी इज बोर्न एट द रेट ऑफ 26 वीक, वो 26 हफ्ते का पैदा हुआ था। समी साहब एक बार आप अपना सवाल रिपीट कीजिए और थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिए। जी बच्चा हुआ था 26 वीक का पैदा हुआ था, 26 हफ्ते का पैदा हुआ था। ओके ठीक है। और वो 1.5 यानी 45 डेज, 1.5 मंथ यानी 6 वीक के लिए, 45 डेज के लिए इनक्यूबेटर में रहा है। ओके ठीक है। तो उसकी बाई बर्थ आंखें बिल्कुल ठीक थी और सिर्फ वेट कम था, 1.1 kg वेट था। डॉक्टर्स ने कहा था कि इसमें बिल्कुल सर्वाइव नहीं होना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी 1.5 साल का हो गया, जनवरी 2015 में पैदा हुआ था जी। अच्छा इनक्यूबेटर में रहने की वजह से डॉक्टर साहब उसकी आई थिंक उसके कोई श्वाएं वगैरह लगती हैं कि इंफ्रारेड रेज अप्लाई होते हैं जिनकी वजह से उसकी आंखों का शायद पर्दा जो है रेटिना वो खराब हो गया थोड़ा सा जी। तो आंखें बहुत डैमेज, लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मतलब ना मदर को पता चला ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पता चला है, मतलब कि हमने 3 टाइम्स उसके पास रिपोर्ट किया कि डॉक्टर साहब ये ना देखता जरूर है लेकिन फोकस नहीं करता। उन्होंने कहा बिल्कुल आप परेशान ना हो, हम ना करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। छठे महीने में वो बिल्कुल उसकी आंखें खराब हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी जी। तो जब आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए 6 महीने, उन्होंने कहा आप लोग बहुत लेट हो गए, इसका जो रेटिना है वो बैटरी डैमेज हो गया है, आपको 2 महीने के अंदर अंदर आना था। अच्छा तो उसका कैंडी बताइएगा कि रेटिने की कोई सर्जरी या उसकी कोई सर्वाइवल के कुछ ठीक है। ये कराची से ही है? नहीं ये कामरा से कॉल कर रहे हैं। अच्छा ये नहीं ये तो उसके बाद है ना काम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी जी आप जी, कामरा से बात कर रहे हैं। देखिये ये मैं आपका मसला बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ, ये जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं। थैंक यू सो मच समी साहब, आप टीवी के सामने आके डॉक्टर साहब की बात सुनिए। प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं जैसे 26 हफ्ते में बच्चा पैदा हुआ तो इसमें फिर इंक्यूबेटर में जब उसको ऑक्सीजन दी जाती है ये ऑक्सीजन जिंदगी के लिए तो ठीक है लेकिन थोड़ा आँखों के लिए ये नुकसानदेह होती है। अब क्या है कि इस बीमारी को कहते हैं प्री मैच्योर रेटिनोपैथी। अच्छा ये बहुत छोटे बच्चों में जो अंडरवेट पैदा हों और कबलज़ वक्त पैदा हो जाएं
unki jo retina hai wo ek khas tarah se react karta hai. Okay. Ye baat inko ek eye specialist ne bilkul sahi kahi aur jisne nahi bataya usne galti ki ke iska waqt hota hai. Okay. Jitna jaldi ye acha masla ye hai ke jitni jaldi ho ye jaye aur iske expert bahut kam hai. Acha. ये पर्दे का एक ऐसा मसला है जो आम आई स्पेशलिस्ट नहीं समझता right. बड़े खास लोग हैं जो इसमें ट्रेंड हैं आप इनको कहें कि ये लाहौर में किसी चाइल्ड ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं जो बच्चों के आई स्पेशलिस्ट होते हैं okay, right. अब हमारे यहाँ सब स्पेशलिटी हो गई है कि बच्चों के अलग हो गए बच्चों के अलहदा हो गए क्योंकि उनके लिए उनके खास मसाइल हैं right. तो ये प्री मैच्योरिटी है इनको right. कहें कि ये लाहौर या पिंडी ठीक है दोनों में बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं अलशफा हॉस्पिटल है वहाँ से सेकंड ओपिनियन ले लें लेकिन जो मैं समझाऊँ हिस्ट्री से वो ताखिर तो हो चुकी अच्छा तो डॉक्टर साहब आपको लगता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ट्रीटमेंट हो पाएगा कुछ इंशाल्लाह बिल्कुल क्यों नहीं पांच स्टेजेस होते हैं ये देखना है कि ये किस स्टेज का राइट तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है अगर ये किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास लाहौर या पिंडी जो भी इनके करीब पड़ता हो वहाँ टीचिंग हॉस्पिटल में जाएं या अलशफा हॉस्पिटल है रावलपिंडी में right. मेरे ख्याल कामरा उसके करीब है जी कामरा एयर बेस ये वहाँ हाँ. बिल्कुल आप वहाँ से पिंडी या लाहौर पिंडी दारुशफा में चले जाएं वहाँ अपना मुआयना कराएं इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगर इसका बड़ी सर्जरी होती है इसकी है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ट्रीटमेंट हो जाएगा एक कॉलर और है हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम हेलो जी वालेकुम अस्सलाम मैं मिस्टर जमशेद बोल रही हूँ लाहौर से जी मिस्टर जमशेद कहिए ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे बच्चों के आई साइट की ट्रीटमेंट का कि 18 इयर्स के बाद वो कोई ट्रीटमेंट होती है आई साइट अगर वीक हो तो मैंने ये पूछना था कि 18 इयर्स के बाद सेफ साइट पे जाके लेजर से बच्चों की जो आई साइट है वो सही हो सकती है ओके राइट हम जवाब लेते हैं थैंक यू सो मच आपकी कॉल का जी डॉक्टर साहब ये आजकल बहुत ही कॉमन इशू है कि चश्मे को हम उतारने का जो काम करते हैं वो एक खास लेजर से करते हैं उसको लेसिक और लेसिक कहते हैं ठीक है अब बड़ी कॉमन चीज़ हो गई है बड़ी अच्छी मशीनें आ गई है इसमें कंप्यूटराइज सारा कुछ होता है इसका यह है कि दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो ये कि इसमें क्यों और क्या बहुत है यानी क्यों क्या है कि कब से है रुक गया है नंबर या बढ़ रहा है और बच्चे की उम्र कितनी है ये देखा जाता है और उसका पर्दा वर्दा पीछे ठीक है उसके बाद ये लेज़र 18 साल की उम्र के बाद अप्लाई किया जा सकता है कितना रेशो सक्सेस रेशो क्या है सक्सेस रेशो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ जो डायप्टर्स हैं यानी उसका नंबर कितना है मोर द नंबर इज लेस इज द प्रोग्नोसिस अच्छा तो मतलब चांस लिया जा सकता चांस बिल्कुल नहीं मैंने अपने घर में अपने बच्चों के कराए हुए ठीक है अच्छा मेरे पास बहुत सारे सवाल थे लेकिन मेरी जो है वो हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि आपके सवालों को जो है वो तरजीह दी जाए तो डॉक्टर साहब आपसे दरख्वास्त होगी कि दोबारा ज़रूर आइएगा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान